नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो शेष करना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराश बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाब, वेलकम टू द आरटीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। और हमारे बीच आज एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिनाउंड सिंगर, कंपोजर एंड वॉइस ट्रेनर मिस रिमी बासु सिन्हा जी की। रिमी जी की बात करें तो इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, उन्होंने काफी एल्बम्स में काम किया है और देश देश में शोज किए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। नमस्ते, नमस्ते रिट्स, और आपके सभी दर्शकों को, आरडीडी शो के सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार और बहुत प्यार। एंड वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट इज माय फॉल्ट कि मैं मतलब देर कर रही थी, नहीं हो पा रहा था मुझसे। जी प्लीज गो अहेड। नो, ओके मैम। एंड मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपके लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। जब जहां से भी आप जर्नी को शुरू करना चाहे ना, जहां से भी पूछे मुझे, वो सारा ही कोशिश कोशिश ही था, और हार ना मानने का वो जज्बा था, वो जज्बा कि मैं कोशिश करूंगी, डिस्पाइट कि मैं एक छोटे शहर इलाहाबाद से हूँ, वहाँ लिमिटेड हमारे एक्सपोजर बहुत कम रहते थे, जितना था वहाँ बहुत कोशिश करके आगे बढ़ी और आज भी लोगों का प्यार वहाँ मिलता है। दूसरी चीज़ थी कि उसके बाद जब दिल्ली आना हुआ, कोशिश की जर्नी वहाँ से शुरू हुई, कोशिश ही कोशिश करते रहे, तो पहला वही कोशिश का नतीजा था कि HMV से मेरा पहला एल्बम जाने हमरे बिंदिया, वो दिल्ली से एकमात्र मेरा वॉइस सिलेक्ट करके रिलीज़ किया गया। दिल्ली दूरदर्शन पे बहुत सारा वीडियो ऑडियो ये सारा कुछ किया, रेडियो में भी, तो ये कोशिश ही होती रहती थी क्योंकि दिल्ली भी मेरे लिए नया था। उसके बाद की जर्नी अगर आप पूछे तो विदेश गई मैं, नैरोबी गई। अब आप सोचो, विदेश में तो ना किसी से जान पहचान ना कुछ, मेरे हस्बैंड का तबादला हो गया था, तो दिल्ली से हम सीधे नैरोबी गए। वहाँ कोशिशों का ही नतीजा था कि मैं सारा का सारा, आज भी प्यार मुझे मिलता है, आज भी लोग मुझे याद करते हैं, और मेरे से जितना बन पड़ा मैं भारतीय संगीत के लिए वहाँ काम करती रही, बहुत किया, और आगे भी शायद ईश्वर की कृपा हो, आप लोगों की शुभकामनाएं हो, तो आगे भी करूँगी। फिर आता है हमारा कर्म क्षेत्र, जहाँ से मैं बात कर रही हूँ वो है मुंबई। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं वही इलाहाबाद की से शुरू हुई वो जर्नी मुंबई आके जब रुकती है, तो अभी रुकी हुई है यहाँ पे, और यहाँ की कोशिश क्या है वो पूरे विश्व को पता है। तो ये कोशिश वो कोशिश थी कि एक सिवाय एक
वीटी टर्मिनस और एक हमारा एयरपोर्ट, ये छोड़ के मुझे कुछ नहीं पता था। तो वहां से अगर मैं समझती हूँ एक होम मेकर, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहन, एक भतीजी, ये अगर यहाँ तक आ सकती हैं तो कोशिश करने वालों की कभी नहीं हार हो सकती, ये मेरा मानना है। राइट मैम, एब्सोल्युटली राइट मैम। और सच में हाँ, आपने एक बहुत और, ही अच्छा काम किया है। एक जी माँ सबसे बड़ी बात। जी राइट हाँ जी। और मैम कहीं ना कहीं आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो, जिस तरह से आपने काम किया है, हैट्स ऑफ मैम। जी और लेकिन सबसे पहले मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी। आई थिंक आप 6 साल की थी जब आपने म्यूजिक स्टार्ट किया, वो उस जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे मैम, आप कैसे म्यूजिक लाइन में आए। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं मालूम इस बात का, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो। ये बचपन से घर का माहौल कुछ ऐसा था रिट्स की, घर में संगीत का यूं था कि मेरे चाचा जी एकदम रेप्लिका किशोर कुमार की वॉइस थे, उनको हम सुनते हुए बड़े हुए। मैं दादी को गुनगुनाते हुए बड़ी हुई, मैं मम्मी को गुनगुनाते हुए बड़ी हुई। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि मेरे ब्लड में था, शायद अभी भी मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं उछल कूद करती थी और बहुत तुष्ट थी, मैं और मेरी बहन दोनों बहुत ज़्यादा मतलब खेलने में बहुत माहिर थे, और पढ़ाई लिखाई और साथ में म्यूजिक, ये बंगाली परिवार का एक ट्रेडिशन होता है, हर परिवार में यस शायद होता होगा कि एक एक माहौल रहता है कि आपको बैठना पड़ेगा, संगीत सीखना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दादाजी, बुआ जी, सारे लोग हमारे घर में जो है, सारे ही सारे, मेरे ताऊ जी, सारे लोग गाने में ही थे, और गाना सबको आता था, सबका सब्जेक्ट था, एक इस तरह का माहौल था हमारे घर में। और चाचा जी तो थे ही सबसे बड़े इंस्पिरेशन। आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ तो सबसे पहले उन्हीं को याद करती हूँ कि ये गाना वो होते तो कैसे डांटते मुझे, मतलब इस तरह से था। अब आती है शास्त्रीय संगीत तालीम की बात, तो मेरे नाना जी ने हमारे लिए एक मास्टर, हम लोग बंगला में मास्टर मौशाई बोलते हैं, श्री विश्वनाथ विश्वास जी को भेजा था। तो हम दोनों बहनें, मैं और मेरी बहन झूमी, उनसे सीखते थे। उससे पहले हम रेडियो स्टेशन के एक बहुत ही नामचीन आर्टिस्ट गौरी शंकर जी से भी सीखते थे, पर उनको उनका समय देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और विश्वनाथ विश्वास जी से करीबन, मैं शायद मैं 8 साल की, मेरी बहन 6 साल की, तब से हम लोग सीखना शुरू किया, और बस वो जर्नी चलती रही घर की। उसके बाद जिस स्कूल में मैं थी रिट्स, वहाँ भी संगीत था, वो एक सब्जेक्ट था। इसी स्कूल में डाला था, जगत तारन गर्ल्स इंटर कॉलेज, मेरे माँ पिताजी ने, कि इनको म्यूजिक सीखने को मिलेगा, ये मम्मी पापा का डिसीशन था। और इसके साथ बस वो स्कूल का सीखना, फिर मेरा ग्रेजुएशन करना, बड़े मतलब स्कूल में ईलादी मेरी टीचर गुरु हुआ करती थी, उनसे 6 साल सीखा स्कूल में, और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंची तो संगीत मिला मुझे एज ए सब्जेक्ट। तो पंडित रामाश्रय झा जी, उनकी मैं शिष्या बनी, श्रीमती कमला बोस इलाहाबाद की रिनाउंड सिंगर थी, बुआ थी मेरी, वो उनकी मैं शिष्या बनी, गीता बैनर्जी उनकी मैं शिष्या बनी, और बस तब से जो है शास्त्रीय संगीत सीखने का वो सिलसिला शुरू हुआ। इसी के पैरेलल 14 साल की उम्र से मैं प्रयाग संगीत समिति के सारे जी एग्जामिनेशन हमारे गुरुजी विश्वनाथ विश्वास जी वो हमें दिलवाते थे। तो प्रयाग संगीत समिति के सेकेंड ईयर से लेके सारा कोर्स, वो भी आप एक पैरेलल मास्टर्स कह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मास्टर्स, वो प्रयाग संगीत समिति का मास्टर्स भी मैंने किया। वाह मैम। और सच में म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक एक साधना है म्यूजिक जो एक आपने। साधना है, जी और साधना के अलावा कुछ नहीं है, मैं ऐसा राइट समझती मैम हूँ। क्योंकि जी अगर अगर साधना हर क्षेत्र में, सिर्फ संगीत नहीं, रिट्स किसी भी क्षेत्र में, अगर आपको गहराई में जाना है और आपका पैशन है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो साधना हर क्षेत्र में चाहिए आपको।
आपको, वो डेडिकेशन, वो अंडरस्टैंडिंग और वो पेशेंस। एक जगह जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से और जो भी मुझसे पूछता है कहती हूँ, तो पेशेंस परसिवेरेंस, इन दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए। एंड परसिस्टेंस, आपको लगे रहना पड़ता है, तभी वो कोशिश राइट कहलाएगी, तभी आप हार नहीं मानोगे, तभी आप निराश नहीं होंगे और आप आगे बढ़ते रहोगे। मैम, एब्सोल्युटली राइट मैम, बिल्कुल सही कहा है। और मैम हमारे साथ कुछ ऑडियंस जुड़े हैं, अहिन सई जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। हेलो, नीरज नमस्ते। तिवारी जी जुड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। मिताली हेलो उदय जी हेलो हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो मिताली, आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं, और जसमीत कौर जी जुड़ी है जो कि बहुत ही अच्छी सिंगर है। आई थिंक उनकी बेटी आपसे सीखती है, जी 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 वो भी बहुत बहुत ही ही प्यारी अच्छी। और बहुत ही यस बहुत मेरी बहुत ही फेवरेट और बहुत अच्छी स्टूडेंट है और बहुत मेहनती है। जी, पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छे कवि है। धर्मवीर शर्मा जी अरे हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्ते अविनाश सोनी नमस्ते, जी हमारे साथ जुड़े हैं, जसमीत कौर जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्रीतम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और मैम उसके बाद, क्योंकि आप दिल्ली आए और दिल्ली में भी आपने काफी काम किया, तो वो कैसा सफर था, जिस तरह से आप इलाहाबाद से दिल्ली आए, उसके बाद मुंबई, उसके बाद आपने विदेशों में काम किया, क्योंकि अगर हम बात करें म्यूजिक लाइन की तो बहुत मुश्किल भी है। आपने खुद को एस्टेब्लिश किया, अगर मैं आपकी बात करूं, आपने काफी सिंगर के साथ काम भी किया है, और आप इंडिया की आई थिंक जो कि म्यूजिक कंपोजर की बात करें तो टॉप म्यूजिक कंपोजर में आती हो आप, आपने काफी एल्बमों में भी काम किया है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे मैम, ये जो सफर था वो सफर कैसा था मैम आपके लिए, कितना मुश्किल था खुद को एस्टेब्लिश करना? एक जो मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे पहले एक इंस्टेंस दूंगी जहाँ से आपको समझ आ जाएगा, आपके ऑडियंस को भी और जो भी मुझे सुन रहे हैं। मैंने ना ग्रेजुएशन के बाद इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स ज्वाइन किया था। मेरा बहुत मन था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स करूँ। मेरे ओह पिताजी उस वाह, समय बहुत ही बिजी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर हुआ करते थे। उसके बाद वो फॉर्चुनेटली जस्टिस भी बने, जज बने ऑनरेबल हाई कोर्ट के, जस्टिस पालोक बसु। तो वो उन्होंने एक दिन पूछा, तुम क्या कर रही हो? बहुत बिजी रहते थे, उनके पास समय नहीं होता था बस। लेकिन जो भी मेरे प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, पहले रो में बैठना और मुझे क्रिटिसाइज करके समझाना कि मैंने क्या गलत किया है, वहाँ से जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरा शुरू हुआ। और जब उन्होंने सुना कि मैंने शास्त्रीय संगीत छोड़कर इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स ज्वाइन किया है, वो उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया मुझे। मुझे उन्होंने और मेरी माँ माँ को सामने बिठा के कहा, नथिंग डूइंग, ये इंग्लिश छोड़ेगी और क्लासिकल म्यूजिक ज्वाइन करेगी। तो ये कॉन्फिडेंस उनका जो मेरे में था, मुझे लगता है आज भी उस कॉन्फिडेंस के लिए मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। रही बात दिल्ली में जर्नी की, सबसे ज्यादा फायदा मुझे मिला मेरी भाषा का। बंगाली होते हुए भी, क्योंकि मैं प्रवासी हूँ और इलाहाबाद से हूँ, तो ये जो भाषा पे कंट्रोल और हिंदी में पढ़ाई लिखाई, वो भी पिताजी ने इनिशिएट किया था। वो पूछते थे, ऐसे लिखवाते थे, ग्रामर करेक्ट करते थे जब भी समय मिलता था। उसके बाद एक बात यहाँ पे और बोलूंगी, एक जहाँ जहाँ से मुझे और कॉन्फिडेंस आया, 14-15 साल की उम्र में मैं रेडियो ऑडिशन पास कर गई थी और बिल्कुल बहुत अच्छे ग्रेड से पास की थी और लाइव प्रोग्राम्स करती थी। ये सोचो कि उस समय में लाइव प्रोग्राम्स ही होते थे ऑल इंडिया रेडियो से, यानी थोड़ा रिहर्सल सुबह से, साजिंदे सारे बैठ जाते थे, वो समझा देते थे। मैं छोटी सी एकदम स्कर्ट ब्लाउज में एकदम बैठी हूँ, माइक सामने है, रेड लाइट ऑन है और बस गाना शुरू।
वो गाती थी जो मास्टर साहब विश्वनाथ बिश्वास जी मुझे सिखाते थे। वो सारा लाइव ब्रॉडकास्ट होता था तो फीडबैक रेडियो स्टेशन को आता था, वो फीडबैक मेरे पिताजी को आता था क्योंकि पापा रंगमंच के से भी जुड़े हुए थे और पालक कुमार के नाम से वो थिएटर भी करते थे, तो वो रेडियो स्टेशन उनका आना जाना होता था, तो सारे लोग पापा को जानते थे। उनको फोन आ जाता था कि बहुत अच्छा बिटिया ने गाया और ये रिपोर्ट है और ये चिट्ठियां आई हैं, ये फोन कॉल्स आए हैं। तो ये जरिया होता है किसी आर्टिस्ट को बिल्डअप करने का। ये जो हौसला अफजाई मुझे बचपन से मिलता रहा, पेरेंट्स का, चाचा जी का, बहनों का, भाइयों का, सबका मिलता रहा। और बाद में सबसे बड़ी बात, जब शादी हुई मेरी तो मेरे ससुराल वालों का जो मुझे मिला, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे घर के सारे जितने सिस्टर इन लॉज, सबका जो प्रोत्साहन मुझे मिला, वही मेरे कॉन्फिडेंस का कारण बना और वही कॉन्फिडेंस आगे ले गई मैं दिल्ली में। और एक चीज जो यहाँ पे बोलना जरूरी है, मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मेरी कॉम्पोजिशन स्किल है और मैं अपने हिसाब से गाने बना रही हूँ, कि मुझे ये गाना ऐसे पसंद नहीं है, मुझे ऐसे पसंद है। तो ये मैंने धीरे धीरे डेवलप किया कि ये काम मैं कर पा रही हूँ। और वो मैंने गाना शुरू किया रेडियो पे, स्टेज पे, दूरदर्शन पे, सारे अपने गाने, और आप लोगों की दुआ से आज भी वो सिलसिला कायम है। मैंने बॉम्बे में और नैरोबी में जो जो काम किया है वो आज तक वो मेरे जी। ही कॉम्पोजिशंस का काम किया है मैंने सो फार, ओह ऐसा वाह। मुझे है। तो यहाँ पे जब जब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली में भी उसी तरह एस्टैब्लिश करना, फोन कर कर के, लोगों से मिल के, डायरेक्टरी देख के, नंबर निकाल के मिलने जाना, बातचीत करना, यहाँ जाना। वहाँ पे शुभा मुद्गल जी रहती थी, वो मेरी गुरु बहन है, उनको भी मैं भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। उनसे मिला मिली तो बहुत सारी जानकारियां मिलती थी। फिर वहां पे जितने कंपनी थी, टी सीरीज, HMV, उस समय वहां काम करती थी, वहां जाती थी मिलने। वहां पे जब HMV गई तो उनको बस वहीं से क्रैक हुआ कि हम आपका वॉइस रिकॉर्ड करेंगे और हम यहाँ आपका एक प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये इसी तरह से कोशिश करते 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 दायरा बढ़ाते बढ़ाते दिल्ली से सफर शुरू हुआ। वाह मैम। और जैसे आपने केन्या की बात की, वहां पे आप आरजे भी थी। हाँ, अरे आपको पता चल गया। ओके, हाँ, वो भी मैंने काम किया। एज यू कैन सी कि मुझे बात करना अच्छा लगता है और ये भी मुझे ब्लड में ही मिला है क्योंकि पापा बहुत ही अच्छे ओरेटर थे, बहुत ही अच्छे। उनके तो नाखून के बराबर भी नहीं हूँ मैं तो। वो मैं तो सीधे सीधे जब नैरोबी पहुंची, मेरे हस्बैंड का तबादला हुआ था, मिस्टर आरके सिन्हा जी का, तो वहां से मैं, तबादला नहीं, हाँ पोस्टिंग, तबादला जो भी कह लीजिए। तो वहां पहुंचने के बाद जो मैंने देखा कि मैं घर पे ही रहती हूँ और कुछ नहीं कर पाती, तो क्योंकि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था कि करना क्या है यहाँ पे, और बेटा भी मेरा छोटा था, और मैं बस कोशिश करते करते एक दिन मुझे ख्याल आया कि थोड़ा सा देखती हूँ क्या करती हूँ। तो वहाँ की जो बंगाली कम्युनिटी थी उनको ट्रेस किया और उनसे पूछा कि आपके यहाँ कोई प्रोस्पेक्ट है ऐसे महिषासुर मर्दिनी करने का। वो तो एकदम जैसे हाथों में, जिसको कहते हैं, लड्डू मिल जाए, हाँ हम करेंगे करेंगे। सो दैट इज हाउ आई केम इनटू द पिक्चर एंड देर वाज एन आर्टिकल ऑन मी इन द लोकल न्यूज़पेपर, अ न्यू स्टार हैज अराइव्ड इन नैरोबी करके ऐसा कुछ आर्टिकल उन्होंने लिखा। उसके बाद बात इंडियन हाई कमिश्नर तक पहुंची, इंडियन हाई कमीशन यानी भारतीय उच्चायुक्त तक पहुंची। वहां से मुझे जी इनविटेशन आया कि आप आके मिलिए। ये मेरे जी लिए जो था एक इतना बड़ा, मैं समझती हूँ रिट्स, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था नैरोबी में। और वहाँ उस समय ऑनरेबल राजीव भाटिया जी पोस्टेड थे, वो वहाँ जी पे उन्होंने बुलाया, मीटिंग कराई और कहा कि हम जी 26 जनवरी पे आप करेंगी कुछ। मैंने कहा हाँ करूँगी 26 जनवरी जी पे। तो ये एक भारत के ध्वज तले,
भारत को रिप्रेजेंट करके इतने सारे ऑडियंस के सामने वो वंदे मातरम कहना अपने आप में ही मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात थी। एंड दैट इज हाउ नैरोबी में जर्नी शुरू हुई। और एक के बाद एक जितने भी इंडियन हाई कमीशन के जितने सारे प्रोग्राम्स होते थे वो सब मेरे डायरेक्शन में, मेरे कॉन्सेप्ट में वो होते थे, चाहे वो 2 अक्टूबर का हो, 15 अगस्त हो, या और कोई प्रोग्राम हो, होली हो, दीपावली हो, एनीथिंग रिलेटेड टू इंडियन कल्चर एंड फेस्टिवल्स एंड ऑल। तो वो उस पे मैं सीधे सीधे पार्टिसिपेट नहीं, पूरा लीड करती थी सामने। तो मैंने एक टीम बनाया था, मेरे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उनका उनके साथ ये शोज करती थी। एक शोज बाय द वे इतना अच्छा हुआ तो उन्होंने कहा जी कि 2 अक्टूबर को हमारा यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो सारे एम्बेसडर्स, इंटरनेशनल एम्बेसडर्स आएंगे, दूसरे देशों के राजदूत, और वहाँ पे आपको गाना है और आपको एक लोकल अफ्रीकन सिंगर के साथ करना है। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही प्राइड मोमेंट था कि मैं 2 अक्टूबर को कंट्री रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे उतने सारे डिग्निटरीज के सामने बापू के प्रिय भजन गाए, और इस तरह से वो एक बहुत ही यादगार लम्हा था। और इट वाज रिटन वेरी नाइसली इन द लोकल न्यूज़पेपर्स, देन इंटरव्यूज ऑन द रेडियो चैनल। तो जब रेडियो चैनल की बात आती है तो मैंने जी अप्रोच किया था कि देखो मैं यहाँ हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, कि आपके पास कोई स्लॉट या ऐसा कुछ है? तो उन्होंने देखी और पूछ पूछ, तो इस तरह से वो जर्नी रेडियो जॉकी की वहाँ शुरू हुई। ओकेजनली जाती थी, नॉट वेरी रेगुलर, से 2 मंथ्स में एक बार कोई एक टॉपिक, कोई एक सिलेक्शन। वहाँ कंस्ट्रेंट्स क्या था कि वहाँ मुझे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते थे, वहाँ मुझे क्या कहते हैं, जो सॉन्ग्स मुझे प्ले करने हैं बहुत ज़्यादा आर्काइव नहीं मिलता था, तो वहाँ एक लिमिटेशन हो जाता था मेरा। लेकिन जो था बहुत था, और बहुत सारे किए, बहुत सारे। मैंने ओ वाह जैनिज्म पे मैम बहुत किया, मैंने बहुत बहुत जी होली पे किया, मैंने रामनवमी जी पे किया, मैंने डिफरेंट फेस्टिवल्स पे किया, बहुत सारे, और बहुत नॉलेज के साथ, बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे सॉन्ग्स को 1.5-2 घंटे का। और यहाँ पे एक कहना ज़रूरी है मेरा कि सबसे बड़ा जो काम मेरे से नैरोबी में हुआ वो था पंडित जसराज जी का इंटरव्यू लेना। वो ओ इंडियन वाह हाई कमीशन की तरफ से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कि जी रिमी जी, पंडित जी आए हुए हैं और आपको उनका इंटरव्यू करना है। ये जो ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, और पूरे दिन में पंडित जी और उनकी शिष्या कला, वो बहुत बाद में मेरी दोस्त बन गई, कला रामनाथ जी, उनके साथ बैठ के उनकी जर्नी, पूरे दिन उनके साथ घूमना, क्या कर रहे हैं, खाना खाना, उस तरह से पंडित जी ने बोला, ये बैठ के तुमको मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, तुम ऐसा करो, बोलती रहो, चलो हमारे साथ, चलो घूमो, सुनाओ कुछ गाना। सो मतलब इस तरह से इतना स्नेह मिला पंडित जसराज जी से, और उनका वो यादगार इंटरव्यू भी शायद मुझे कोई किसी ने बताया, और आज भी कोई ना कोई वहाँ पे कि वो रेडियो स्टेशन FM वाले प्ले करते रहते हैं। तो ये इस तरह ओ, से था। और वो कैसे नेचर की, पंडित जसराज जी की बात करें तो कैसे नेचर की है वो? मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं जब मुंबई आए उनको फोन किया, उनका नंबर इकट्ठा करके, तो मैं उनके घर चली गई, कहा तुम आ गई तो घर क्यों नहीं आई, ऐसे बिल्कुल। और बहुत ही, मतलब आप सोच नहीं सकते कि उनसे उस समय मैंने जो जो थोड़ी सी शिक्षा जो मुझे मिली, तो वो था कि आपको जब आप रियाज करने बैठ रहे हो या स्टेज पर आप हो, तो किस ढंग का माइंडसेट करके आपको शास्त्रीय संगीत के शोज करना चाहिए, ये मैंने सवाल भी किया था उन्होंने उनसे। तो वो चीज उन्होंने ये बोला था कि गुरु के साथ घंटों बैठकर रियाज करके जो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा वो आपको आगे ले जाएगा, कि आपका सुर नहीं हिलेगा, आपका ताल नहीं जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस एक आर्टिस्ट का होता है
वो जी उनसे मैंने उनके मुंह से सुना था, और बाकी उनका नेचर एकदम बच्चों जैसा था, बिल्कुल बहुत हंसमुख, बहुत ज्यादा, और इतने लोगों को वो वहां पे पहचानते थे, बहुत ज्यादा हंसमुख और बहुत मिलनसार एंड वेरी इजी टॉकर। जो सवाल मैंने किए 2 ढाई घंटा, आप सोच सकते हो इंटरव्यू, फिर बाद में उसको एडिट करके उनके गाने वगैरह डाल के शो प्रस्तुत किया मैंने, बहुत मेहनत की थी। तो उसमें वो ऐसी ऐसी बातें वो बोल गए अपने जीवन से जुड़ी हुई, तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी है, तो कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको जरूर पब्लिश करूंगी। ग्रेट मैम। और मैम हमारे साथ ब्रिजमोहन शर्मा जी जुड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर है। नमस्ते। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। हरनी कौर जी हमारे साथ जुड़ी अरे है वाह, जी, आई थिंक आपकी बहुत ही अच्छा गाती है, बहुत जी जी बिल्कुल। ही सुरीली आवाज है, और वो गौतम मेरी गैर अच्छा जी, सॉरी सॉरी, हाँ बोलिए प्लीज बोलिए। और गौतम गैरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू कहना चाहूंगी। और यूट्यूब में जो जो भी जुड़े हैं उन सभी को सबको भी स्वागत है सबका, और बहुत बहुत नमस्कार मेरा। जी। मिताली जी हमारे साथ जुड़ी है, सचिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और उसके बाद मैम आपकी जो एल्बम है, एल्बम के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आपने एक एल्बम की थी साकी सेलिब्रेटिंग वुमेन हुड, उसके बारे में जी हम जानना चाहेंगे, जिसमें आई थिंक आपने सुन सखी जो कि सुनिधि चौहान, कविता कृष्णमूर्ति, उषा जी 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 मंगेशकर जी जी, रीता शर्मा जी, या बहुत लोगों ने गाया था, राइट महालक्ष्मी लय्यर जी, और आप भी जी थी जी उसमें, आपने जी म्यूजिक कंपोज भी किया था, यस उसके बारे में हम हाँ जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। ये एक लैंडमार्क और एल्बम था मेरा। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत दिनों का था, जो मैं नैरोबी में बैठ के सोचती थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें ऑल वुमेन इन्वॉल्वमेंट हो। तो आप सोच सकते हो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मुंबई आने के बाद कुछ भी किसी को पहचानना तो दूर की बात है। मैं तो सड़क भी नहीं जानती थी कि कौन सा सड़क किधर जाता है। तो वहाँ से जब जर्नी शुरू की, तो मेरा पहला, इनफैक्ट पहला एल्बम, इफ़ यू अलाउ मी टू से, इज़ नॉट सखी। इट वॉज डेडिकेशन टू माँ दुर्गा, मैया का दरबार। मैया का दरबार वॉज माई फर्स्ट एल्बम इन मुंबई, जो मैंने शानू दा के साथ किया, कुमार शानू के साथ। तो कुमार शानू जी के साथ वो एल्बम बहुत सफल रहा, और अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। और आज भी वो टाइम्स म्यूजिक ने मुझे मौका दिया था, मेरी मित्र ने, और मेरी मित्र गौरी ने, इनफैक्ट बोलना चाहिए। तो ये वो उस समय वो एल्बम, आज भी उसकी पॉपुलैरिटी वैसी की वैसी बनी हुई है। वो मेरा पहला काम था। बात करते हैं सखी की, उसके बाद भी बीच में मैंने कुछ ना कुछ, एक दो गाने का कुछ किया। वो था मतलब ऐसी कंपनीज के साथ था जो वो खुद भी बड़ी हो रही थी, कंपनियां भी नई थी। उसके बाद जो मेजर काम आया वो था ये सखी का, ये जो कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को ऑल वुमेन बनाने के लिए जो जद्दोजहद थी मेरी, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकती कि उस दौर में, जबकि मैं किसी को नहीं जानती हूँ, उन बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स को जाकर जाकर कन्विंस करना कि मैं ये काम जी कर सकती हूँ और ये मेरा काम है, सबका एक कहना था, आप छोड़ जाइए रिकॉर्डिंग, मैं सुन के बताऊंगी। चाहे वो उषा ताई हो, उषा मंगेशकर जी, चाहे वो कविता दीदी हो, कविता कृष्णमूर्ति जी, चाहे वो ऋचा जी हो, ऋचा शर्मा जी, चाहे वो बहुत अच्छे मित्र महालक्ष्मी अय्यर हो या सुनिधि चौहान हो, कोई भी हो। और सबसे जो अहम कड़ी इसमें थी, वो थी साउथ के चित्रा जी, जो लेजेंड है, लिविंग लेजेंड चित्रा जी ने। जी तो आप सोच सकते हो, तब इतना ज्यादा इंटरनेट और इतना ज्यादा मोबाइल का भी दौर नहीं था, 2011 बार की बात कर रही हूँ, जो आज हम रीचेबल हो गए हैं, उतना तब नहीं था। तो वो ढूंढ ढूंढ के, कभी ईमेल करके, कभी टेलीफोन करके,
अपॉइंटमेंट करके उनसे उन तक पहुंचना, उनसे बात करना, उनको एल्बम के बारे में बताना। पर एक बात है, मैंने जिन जिन का नाम लिया, चाहे वो सुनिधि हो, चाहे वो उषा ताई हो, कविता जी हो, ऋचा जी हो, महालक्ष्मी हो या चित्रा जी हो, इन सब ने इतना सपोर्ट किया मुझे, मैं बता नहीं सकती। आप सोच सकते हो, एक न्यूकमर हूं मैं, एक न्यूकमर के इस जज्बे को जिस तरह से इन स्टॉलवर्ट्स ने सपोर्ट किया, दैट इज मैं आज भी उनके शुक्रगुजार हूँ। और उन सबको मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि उस कॉन्फिडेंस के साथ फिर मैं आगे आगे बढ़ी, और धीरे धीरे वो एल्बम सबको बहुत पसंद आया, एंड इट वाज अ रिकॉर्ड यू नो दैट टाइम व्हेन आई डिड इट। वाह मैम, जिस तरह से आपने अभी बताया, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था मैम, आज की अगर हम जी बात करें तो आजकल सोशल मीडिया है, आप कुछ भी मतलब काम कर सकते। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। प्लीज। अनूप जलोटा जी से जब मैं फर्स्ट टाइम मिली तो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिली, गूगल मैप के थ्रू। तो अनूप जी अगर देख रहे हो तो नमस्ते। अनूप जी, मैं काफी बार उनके उनके साथ इंटरेक्शन होने करने का मुझे मौका मिला है। जब मैं आईटीए में वॉइस ट्रेनर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, तो अनूप जी से रेगुलर मिलती थी। सारेगामा में जब मैं पढ़ा जब सिखाती हूँ, तो वहाँ भी मैं 2-3 बार उनसे मिलने का मौका मिला। इसके बावजूद वर्कशॉप्स मैंने हमने कंडक्ट किए एक साथ अनूप जी के साथ, बहुत अच्छे, बहुत जिंदा दिल और बहुत सपोर्टिव हैं अनूप जी। और मेरा उनको रिगार्ड्स आपके शो के माध्यम से। जी जी, सच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है अनूप सर की। जी अगर हम बात करें, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी बिल्कुल है जी। और मैम, उस टाइम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुंबई एक माया नगरी है, वहां पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो स्टार्टिंग के कुछ मोमेंट आपसे मैं जानना चाहूंगी। जैसे आपने बताया था कि मुझे मुंबई के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो स्टार्टिंग का जो मोमेंट्स थे, किस तरह से आप मुंबई आए, किस तरह से आपने अच्छे अच्छे सिंगर, क्योंकि कुमार शानू जी ने आपके सॉन्ग गाए हैं, एंड जो अभी सुनिधि चौहान जी, इन सभी ने आपने शेयर किया है, तो मैं स्टार्टिंग की थोड़ा सा जर्नी जानना चाहूंगी मुंबई की, अगर मैं बात करूँ। मुंबई की जर्नी, जैसे सबसे पहला, जैसे मैंने बोला कि लोगों से मिलना शुरू किया मैंने, म्यूजिक डायरेक्टर से, बड़े एस्टैब्लिश्ड सिंगर से। वो मैं खुद एफर्ट लेके जाती थी कि मैं आई एम अ न्यू कमर और मैंने कुछ काम किया है, और अभी मैं मेरा मतलब आप कह सकते हो कि उम्र के एक अजीबो गरीब पड़ाव में मेरा मुंबई आना हुआ है। तो लेकिन फिर भी मैं काम करूंगी, कोशिश करती रहूंगी और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। इस तरह से मैं अप्रोच करती थी। मैं शंकर भाई से भी मिली, शंकर महादेवन जी से, उनसे भी मतलब। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप पूछो कि कंटिन्यूटी क्यों नहीं हो पाई, तो मैं कहीं ना कहीं खुद अपने आप को कहूंगी कि डिफरेंट दूसरे और कामों में थोड़ा लिप्त हो जाने से, मैं अगर अप्रोच, यहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपने माया नगरी बोला, तो माया नगरी और नगरियों से इसका मतलब अलग हुआ, तो यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ये कर्म क्षेत्र है आपका, और ये कर्म क्षेत्र ही है, और उसी तरह आपको इसको लेना पड़ेगा। ये यहाँ हर बंदा, हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के लिए आता है, उसे यहाँ कोशिश करनी है। अगर सच मायने में आपका जो टैग है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो मुंबई उस पे आपको केंद्रित ज्यादा हो जाएगा ये। क्योंकि यहाँ हर फील्ड आप देख लो, एक म्यूजिशियन की जर्नी कह लो, एक मॉडल की जर्नी कह लो, एक एक्टर की कह लो, डायरेक्टर की कह लो, एनी बडी रिलेटेड टू फिल्म वर्ल्ड, टेलीविजन वर्ल्ड एंड म्यूजिक वर्ल्ड, उसका मक्का मदीना जो है वो मुंबई बन जाता है। तो ये मेरा भी ड्रीम लैंड था। तो एक तरह से मैं बहुत ओवरऑड हो जाती थी, ओवरवेल्म्ड हो जाती थी पर्सनालिटीज को यहाँ मिलकर। जिससे भी मैं मिली, बप्पी दा, बप्पी दा ने बहुत प्यार दिया,
उनके साथ बैठ के उनके म्यूजिक रूम में जो रिहर्सल्स मैं करती थी, ऐसे ही वो बोलते थे बेटा कभी मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर ये करेंगे। मैंने कहा दादा मुझे कुछ नहीं करना, बस आप करते रहो काम, मैं थोड़े थोड़ा थोड़ी देर बैठूंगी बस आपके पास। तो इस तरह से जो मौके मुझे मिले, उसके बाद खयाम साहब से मिलने का मौका मिला, जो मैं उनका नाम ले रही हूँ जो अब हमारे बीच नहीं है, उनका नाम ले रही हूँ। जो सबसे अहम मेरे इस जीवन का एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ आज आपकी ऑडियंस और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं है, जी वो था लता दीदी का कॉल आना और उनके घर जाना। ओ वाह जी ये जो मेरे जीवन का एक मोमेंट है ना रिट्स, वो काश मेरे पास उस समय रिकॉर्डर होता, काश मेरे पास उस समय कुछ ऐसे साधन होते जो मैंने कितने घंटे उनसे बात की है टेलीफोन्स पे, क्या क्या वो बोली हैं, क्या क्या जी उन्होंने समझाया था। और ये सखी एल्बम के बदौलत हुआ था, क्योंकि मैं उषा ताई से मिलने उनके घर गई थी। तो आप सोच सकते हो ब्रेस्ट इज हिस्ट्री, उसके बाद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो यस ये जो मैं उषा ताई को स्टूडियो तक ला पाई थी, ये मेहनत लता दीदी ने विटनेस किया था मेरा। और साथ में वो एल्बम के सारे गाने उन्होंने बार बार सुने थे, और ये बात उन्होंने स्वयं सखी के सखी सेलिब्रेटिंग वुमनहुड, वो स्वयं उन्होंने फोन पर मुझे बताई थी। मतलब हेलो, मैंने डायल किया, समझ लीजिए नंबर कुछ ऐसा हुआ था, डायल किया नंबर मिला और उधर से आवाज आती है हेलो, इस तरह की। ओ आप सोच सकती वाह है, यूं ऐसे थर 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 कांपता नहीं कहते, मैं उस ढंग से जी कांप रही थी। मुझे मतलब काटो तो खून नहीं, फोन ना गिर जाए हाथ से, ऐसी हालत हो रही थी। तो वो समझ रही थी। उसके बाद जो कन्वर्सेशन शुरू किया, फिर मैंने परमिशन मांगा था, लता दीदी मुझे आप तो माँ समान है, माँ है मेरी, मेरी क्या, करोड़ों सिंगर्स की आप गुरु माँ हैं, तो वो आप मुझे इतना सिर्फ परमिशन दे दीजिए कि कभी कभार मैं आपसे फोन पे बात करूंगी। जी ठीक है, बिल्कुल। इतना मतलब था, जो एक जो दुर्भाग्य नहीं कहूंगी, शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, उन्होंने कह दिया था वो मेरे गाने करेंगी, जी और मांग मंगवाया था रिकॉर्डिंग तक, और वो रिकॉर्डिंग मैंने भेज भी दी थी। पर जैसा होता है, लता दीदी हैं, मैम उनको फोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। तो उतना ही किया जितना हो पाया मुझसे, मैं फॉलो अप करती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, वो काम मेरा नहीं हो पाया। आज शायद वो कहीं से सुन रही हैं इस बात को, तो उन समझ पा रही हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे जीवन का था कि मैं उनसे मिल पाई, उनको देख पाई और उनसे बहुत सारी बातें सीख पाई ओवर द फोन। ये गया वन थिंग। सेकंड था कि एक जी किसी कारण से मेरा मैंने जया मैम को, जया बच्चन मैम को फोन किया था, और उसकी कड़ी कैसे बनी वो मैं आपको समझाती हूँ कि इलाहाबाद हमारा जो घर है, वहाँ पे श्री अमिताभ बच्चन जी का ऑफिस बना था, जब वो इलाहाबाद में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। उस समय जो उनसे, उनके परिवार से और हमारे घर के आंगन में ही, कैंपस में ही उनका ऑफिस था। तो नेचुरली आप सोच सकते हो कि इंटरेक्शन, मिलना, ये सब कुछ रेगुलर होता था, और हम लोग छोटे थे। मतलब हम लोग तो उस समय की बात कर रही हूँ जब मैं स्कूल में थी, तो वो वाला दौर था उस समय। पर ये एक्साइटमेंट कि अमिताभ बच्चन आ रहे इलाहाबाद, तो आप सोच सकते हो क्या था। तो वो चीज 2010 में एक बार मैंने जया जी से उनके घर पे फोन किया और पापा का इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि पापा और मम्मी और चाचा चाची यही लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे कैंपेनिंग और इन सब चीजों में। तो उसमें उन्होंने फोन बैक किया, जया मैम ने कहा कि तुम कब आई, एंड उनको पूरा याद था।
एंड दिस इज हाउ उन्होंने एक दिन अपॉइंटमेंट दिया और मैं उनके घर चली गई, और जलसा में उनके घर पे उनके ऑफिस में मैं काफी देर तक उनसे बात की, प्रोस्पेक्ट समझे, वो क्या कर रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए, बहुत कुछ बोला एंड ऑल. तो मैं जब इंतजार कर रही थी तो वो एक दरवाजा खुला और सामने से बच्चन साहब निकल के आ गए, जिसके लिए मैं ओ तैयार वाह, नहीं थी. और उस समय ना मोबाइल का फोन, मतलब फोन का कैमरा था ना कुछ, मगर इतने सज्जन, इतने डाउन टू अर्थ और इतने मतलब एनकरेजिंग. मेरी घबराहट को वो समझ गए, मुझे पानी पूछा, चाय देने को बोला, घर पे सब कैसे हैं, पापा कैसे हैं, सारा कुछ पूछा. फिर कहा जयासा मिली, तो मैंने कहा जी बस वो बुलाएंगी, ओके मैं जा रहा हूँ काम काम करने, यू बी कंफर्टेबल. सो ये अभी तक आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि स्टिल आई ट्राई टू कीप इन टच विद हिम एंड मैम, एंड ओकेजनली आई गेट द रिस्पॉन्स. ओह वाह, यस, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है जी जी अमित जी जी की अगर बात अनइमेजिनेबल, करी तो मतलब जो उसने. इंसान यस जिस लेवल पे पहुंचने के बाद भी अगर उनकी सादगी आप देखो ना, तो अनइमेजिनेबल. और टैलेंट की तो हम लोग बात कम ही करें तो बेहतर है, पूरी वर्ल्ड जिनको जानती है. तो ये एंड आल्सो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. आप अमिताभ बच्चन जी की एग्जाम्पल को ले लो, लता मंगेशकर जी की एग्जाम्पल को ले लो, सचिन तेंदुलकर की एग्जाम्पल को ले लो, इन्होंने कोशिश की और हार नहीं मानी तो आज वो बन पाए जो आज वो है. सो जी इट्स लाइक जी दैट एंड एब्सोल्युटली आई राइट ऑलवेज मैम, बिलीव इन दैट. या उसके बाद जो थैंक यू सो सिंगर्स, अगेन वो ये सिलसिला चलता रहा, सिंगर्स से मिलना, जी सिंगर्स से बात करना, ये एल्बम के लिए जी जो मैंने काम किया वो उनको कन्विंस करना, फिर जो जो आते गए स्टूडियोज में उनको डबिंग कराना. तो उस डबिंग के जी दौरान मैंने शानुदा से एक बात सीखी, बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सब जी लोगों को बहुत मजा आएगा सुनने में. तो वो दादा थोड़े हमेशा ही बहुत जॉली, बहुत इनकरेजिंग. तो उनके स्टूडियो में जब उनको डब कर रही थी तो वो मैं, मुझे याद है कि मैं रिकॉर्डिस्ट के साथ ऑब्वियसली बैठ के सबसे पहले तो उन्होंने पूछा मुझे, गाना तुम्हारा है, गाना तुम्हारा, ऐसे बिल्कुल. मैंने कहा जी दादा, जी दादा मेरा गाना है. अच्छा तो हारमोनियम कौन बजाएगा? देखा दादा मैं ही बजाऊंगी. हाँ तुम्हें आता है? मैंने कहा हाँ दादा थोड़ा बहुत. तो द मोमेंट आई स्टार्टेड, पहले कहा कि पानी पियो, कंफर्टेबल हो जाओ, अब सिखाओ मुझे. तो ही वॉज, जब उनको लगा कि नहीं ये थोड़ा बहुत कर सकती हैं, तो एक जैसे स्टूडेंट की तरह उन्होंने पूरे गाने मुझसे सीखे. कहा ये मेरा जॉनर नहीं है, मैंने सिर्फ अप्रोच की वजह से पहली दफे ये काम किया. मैंने कहा जहे नसीब, मेरा नसीब अच्छा है दादा जो आपने हाँ किया. तो फिर कट टू शॉर्ट, तो उसके बाद जब डबिंग हो रही थी तो कोई रिकॉर्डिस्ट थे, मुझे नाम नहीं याद आया, उन्हीं के स्टूडियो में बम्बई में. तो जी दादा ले रहे हैं टेक, तो मैं समझा रही हूँ दादा इसको ऐसे ले ऐसे ले. तो एक टेक को, एक लाइन को गाया तो रिकॉर्डिस्ट कर रहा, हाँ ये ठीक है दादा, ठीक है दादा, ए तू चुप, ऐसे चिल्ला दिया. फिर मुझे वहां से बंगला में समझाया, आज मुझसे जी एक सबक लो, गाना तुम्हारा है, काम तुम्हारा है, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा गाऊंगा, ना गा पाऊं तो ये मेरी गलती है, इन सब की बातें ना सुना करो कभी. सो ये बहुत बड़ा मुझे एक उनसे सबक मिला था कि अपना कॉन्फिडेंस आपके काम पे इतना होना चाहिए कि आपको कोई आजू बाजू वाले समझा रहे हैं वो कभी ना सुनना. राइट आपको पता है राइट कि मैम, दादा कर सकते हैं, आप आराम से, आपका कॉन्फिडेंस उनमें है, उनका कॉन्फिडेंस आप में है. और हियर आई मीन टू से इज एनी सिंगर, इफ आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई सिंगर विल डू जस्टिस विथ माई सॉन्ग, एंड द सिंगर इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट दैट मैम गवा लेंगी, रिमी गवा लेगी हमसे, तो ये इनफ होता है वो एस्टैब्लिश करना. ये चीज मैंने उनसे सीखा. एंड ऑल दी अदर आर्टिस्ट सखी के जितने भी है, उषा ताई,
कितना डांट डांट के उन्होंने मुझे कितना डांट रही थी, एंड आई वॉज एंजॉइंग दैट सो मच। देन कविता जी, सुनिधि एंड एवरीबडी, रिचा, महालक्ष्मी, द स्वीटेस्ट गर्ल आई हैव एवर मेट, ये सबसे सीखा मैंने। डबिंग कैसे कर रही है, इतनी बड़ी नामचीन आर्टिस्ट है। सबसे अच्छा जब तब मुझे लगा था जब चित्रा जी ने फोन करके मुझे कहा था, उन्होंने चेन्नई में डबिंग की थी, मैंने यहाँ फाइल भेज दिया था उनको, वहां डबिंग के दौरान वो मुझसे प्रोनाउंसिएशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आई थिंक मैम नेटवर्क इशू हो सकता है मे बी, और सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। हरनी जी थैंक यू सो मच, ब्रिजमोहन शर्मा जी थैंक यू सो मच, दीपक शर्मा जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम सॉरी, शायद हेलो, लाइन कट हो गई थी। नो नो इट्स ओके मैम, ये सब ओके होता है। ओके यस प्लीज ओके कंटिन्यू ओके मैम। तो उन्होंने उस समय फोन कर करके मेरे साथ इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है, इंग्लिश में पूछ रही थी। मैं बताती जा रही थी, फोन के पास बैठी लैंडलाइन पे, और वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे करीबन 15-20 मिनट बातें की और पूछा मुझसे कि आप क्या करना चाहती हो, कैसे करना चाहती हूँ। लेडी कंपोजर जल्दी मिलते नहीं, आप इतना अच्छा काम करोगी, आपका कंपोजिशन बहुत अच्छा लगा मुझे गाने में। एंड जितनी ब्लेसिंग्स उनसे मिली, दैट्स अ ट्रेजर फॉर मी। एवरी आर्टिस्ट सबसे मैंने सीखा, जिनसे जिनसे जिनके साथ मैंने काम किया, सब सीखती रही। और यकीन जी मानिए, आज भी मैं सीखती ही हूँ, अपने स्टूडेंट्स से सीखती हूँ, क्योंकि कोई एक चीज कैसे गा रहा है वो मेरे लिए नया होता है। सो दैट इज हाउ जी आई अंडरस्टैंड म्यूजिक, कि आप दिमाग, कान, आंख खुला रखो और सीखते रहो। हर एक के पास कुछ ना कुछ है सिखाने को, बस आपकी वो जिज्ञासा होनी चाहिए। राइट एंड मैम सारेगामा एकेडमी में मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके फोन जी कॉल्स और उनके मैसेजेस आप देखोगे कभी, तो आपको समझ में आएगा कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं और मैं उनके लिए क्या मायने रखती हूँ। वाओ मैम ग्रेट। और मैम आपका एक एल्बम आया था मन बावरा, हाँ, वो काफी वो भी बहुत पॉपुलर एल्बम था। ये मैंने जी हंगामा म्यूजिक में, मतलब ये गाने मैं करना चाहती थी थोड़ा सा डिवोशनल से जी हटकर, और बहुत अच्छा हुआ था। उसके कुछ वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड जी इट वाज जी रियली, आज भी लोग मतलब सुनते हैं। और मेरे फोन का कॉलर ट्यून भी वन ऑफ दैट सॉन्ग है जी जो मेरा था। और इंसिडेंटली इस एल्बम का जो जो मतलब ट्रैक वगैरह बनाया था, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से था मेरा। मेरा ये कोलैबोरेशन श्रीलंकन एक आर्टिस्ट हैं, बहुत नामचीन, सदीप्था, सदीप्था गुणवर्धने, उन्होंने सारा अरेंजमेंट और सब मिक्सिंग वगैरह वहाँ से किया था। सो ये एक तरह से बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं उनके साथ कुछ करूँ, तो एक मुझे मौका मिल गया था। तो ये एल्बम एकदम लाइट क्लासिकल, बट फॉर मासेस एंड क्लासेस बोथ, आप कह सकते हैं। एक कुछ ऐसे जी गाने जो उनको भी पसंद आएगा जो बहुत ज़्यादा शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, और उनको भी पसंद आना चाहिए जो लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं। तो मेरी हमेशा जी ही अपने कॉम्पोजिशंस के माध्यम से ये कोशिश रहती है कि कॉम्पोजिशन, ईश्वर करे मैं ऐसा बना पाऊँ जो क्लासेस एंड मासेस दोनों के लिए हो सकता है। ओ, तो ये मन और आई बावरा की थिंक जर्नी इसमें भी जो बहुत गाने अच्छी थे थी। नैना जागे श्याम रंग, जी श्याम रंग, यस, एंड तुझसे यस, लागे तुझसे नैन, एंड लागे नैना यस, मोरा मन या तुझसे लागे नैन, सुन, यस जी, बहुत ही प्यारी, यस ये मैंने भी ये सुने हैं, जी। आई मुझे भी रिक्वेस्ट ऑल बहुत ऑफ ही यू, प्यार लगे। क्योंकि आज रिट्स एंड आरडीडी शो के माध्यम से बहुत दिनों बाद मैं ऑडियंस के साथ मुखातिब हो पाई हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे, अगर आपको समय मिले तो ज़रूर सुनिएगा इन गानों को। मुझे लगता है शायद आपको अच्छा लगेगा, आप सबको।
जी, और उसके बहुत ही बाद भी प्यारे मैंने ये गाने काम, जी। जी, उसके बाद टाइम्स म्यूजिक के साथ भी, टाइम्स म्यूजिक में मेरी मित्र के साथ भी मैंने पिछले साल, उसके पहले कृष्णा पे, कृष्णा एल्बम किया, यस यस कृष्णा। वो हाँ कृष्णा एल्बम, वो अनुप जी ने भी सुना था वो एल्बम, वो बहुत अच्छा लगा था उनको, जी उनको भी, एंड और सारे लोगों ने भी मुझे काफी कॉम्प्लीमेंट्स दी. इट वाज अ नाइस इनिशिएटिव, एंड अच्छा गया था वो एल्बम भी. अभी कुछ यस काम और कर रही हूँ मैं, रिवील नहीं करूंगी, बस ईश्वर करे उसमें सक्सेस हो, क्योंकि 2 साल रेड्स, आप भी समझ सकती हैं, ये जो 2 वर्ष जी गया उसने मुझ यस जैसे कई कलाकारों को, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि चलो मैं घर पे ऑनलाइन वोकल ट्रेनिंग और ये सब कुछ मैं जारी रख पाई थी, पर ऐसे करोड़ों लोग, करोड़ों म्यूजिशियंस जो बहुत ही सफर किए थे, तो सिर्फ एक ने, एक दो तीन 10 हजार करोड़ नहीं, पूरी दुनिया सफर की थी, वो थोड़ा सा पैंडेमिक में सब कुछ थोड़ा सा बैक स्टेज चला गया था. अब वापस फिर से काम शुरू किया है, आप लोगों की दुआ से आगे जरूर करूंगी. जी, और मैम अब बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि अभी और भी आपसे जानना है मैम। तो जी मैं जरूर चाहती हूँ जरूर. कि जी, क्योंकि आप एक वॉइस ट्रेनर भी हो, मेंटोर भी हो, तो अभी बहुत कुछ आपसे सीखना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप फिर से हमारे शो में आए और हमें जो ज्ञान रूपी अमृत है वो हमें, क्योंकि आज की अगर हम जनरेशन की बात करें तो आजकल हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। ये दुखती रग है मेरी, तुमने छू ली. जी ये शॉर्टकट, इसका हम लोग अगले, आप तुम्हारे अगले एपिसोड्स में कंटिन्यू करेंगे. देर इज नो यस शॉर्टकट टू सक्सेस, देर इज नो शॉर्टकट टू म्यूजिक, जस्ट लाइक दैट, कि किसी भी रास्ते में आकांक्षा होना, एम्बिशन होना बहुत अच्छी बात है. मैं स्टार बनूंगी ये सोचना भी कोई बुरी बात नहीं है, मैं बहुत नाम करूंगी ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं और वो काम जो आप, अगर स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं और भी दर्शक जो जुड़े हुए हैं, किसी भी फील्ड से आप हों, चाहे आप वो कला के क्षेत्र से हो, संगीत के क्षेत्र से हो, आप नॉन म्यूजिकल भी हो, कोई भी हो, आपको पता है कि जल्दबाजी से कोई काम होगा नहीं, तो वो पेशेंस रख के कोशिश करते रहना और अपनी साधना कभी न छोड़ना, अपनी शिक्षा को कभी स्टॉप नहीं करना, ये मुझे लगता है गूढ़ मंत्र है किसी भी सक्सेस. क्योंकि और एक बात, जो सक्सेस, जहां तक आपने कहा कि शॉर्टकट से सक्सेस अगर मिलना है, तो अगर शॉर्टकट से किसी को, मान लीजिए भाग्यवश मिल भी गया, वो जी सस्टेनेबल होगा कि नहीं, वो एक जी डाउटफुल होगा. तो शॉर्टकट से हमेशा ही मुझे लगता है कि गलत सलत ही मेरे साथ तो हुआ है. ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं की, मैंने बहुत गलतियां की, मगर उन गलतियों से कभी मैं मायूस नहीं हुई, सिर्फ सीखा, और सीख कर ही मैं आगे बढ़ी, अपनी ही गलत गलतियों से सीख कर मैं आगे बढ़ी. और शॉर्टकट का रास्ता कभी भी अपनाना चाहा, उसमें जिसको कहते हैं ना मूकी खाना, वो मूकी खाई. तो ये अगर मेरे, मैं कह सकती हूँ, लता दीदी कह सकती हैं, और बहुत बड़े बड़े जितने दिग्गज लोग हैं किसी भी क्षेत्र के, वो कह सकते हैं, तो आप अगर समझदार हो तो इशारा ही काफी है. डोंट राइट मैम प्लीज डू नॉट टेक शॉर्टकट रूट, शॉर्टकट से कुछ हासिल नहीं होगा. और एक और चीज है, सक्सेस पाने की कोई उम्र नहीं होती, अगर जी आपके आपके प्रयासों से आपको सक्सेस मिलना है, तो वो कभी भी किसी भी उम्र में कहीं भी मिल सकती है. ये आशा और ये पॉजिटिविटी आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए. राइट मैम एंड थैंक यू सो मच। और मैम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगी आप हमारे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हैं? मैसेज देने लायक मैं हूं या नहीं मुझे नहीं समझ में आता,
और मैं शायद हूँ भी नहीं, बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, कुशल से रहें और अपने अपने क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मेहनत का रास्ता ना छोड़ें, सीखना ना बंद करें, दैट्स ऑल। एंड आपको रिड्स, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो जर्नी आपने शुरू की है, मैंने देखा, मैंने कई सारे इंटरव्यूज देखे, पिछले एपिसोड्स देखे आपके, और आपकी ये जो मेहनत 2 साल की है, और ये जो कोशिश है, आप ना हार मानने वाली, वो कोशिश लगातार जारी रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार आपको और आपके सारे थैंक यू सो दर्शकों को। मच बहुत मैम, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू थैंक यू ऑल। सो मच थैंक मैम, यू, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप भी कोशिश कीजिए। से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार।